नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा विमान मरीन कॉर्प्स बेस हवाई के रनवे से आगे निकलने के बाद कैनहो खाड़ी में जा गिरा है। सूत्रों ने बताया कि विमान में 9 लोग सवार थे, वे सभी किनारे पर पहुंच गए हैं। हालांकि विमान समंदर में डूब गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी घायल को बेहद मामूली चोटें आई हैं। वे खुद तैरकर किनारों तक पहुंचे हैं। यूएस मरीन कॉर्प्स के प्रवक्ता गनरी सार्जेट ऑरलैंडो पेरेज ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह एक टोही विमान था जिसका इस्तेमाल सैन्य निगरानी के लिए किया जाता है। विमान का नाम बोइंग P-8 पोसिडोन है। P-8 एपोसिडोन का इस्तेमाल अक्सर पनडुब्बियों की निगरानी और उन पर हमला करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टोही और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान को बोइंग ने विकसित किया है। P-8 विमान के कई वेरिएंट्स हैं। हर वेरिएंट को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी विकसित करती है। P-8 विमान की औसत कीमत $150 मिलियन है, लेकिन इस समय समुद्र के अंदर डूब गया है। 9 जवान इसमें थे, सभी जवान तैरकर बाहर की ओर आ गए हैं। हालांकि विमान पानी में डूब गया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है अमेरिका से।